आरपीएम, फीड और कटिंग स्पीड, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने सुना तो बहुत बार होगा, पर क्या आप इनके बीच में रिलेशन जानते हैं? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनसी टॉक्स में। दिस इज़ हैशटैग सीएनसी टॉक 006 और आज हम लोग बात करेंगे आरपीएम, फीड और कटिंग स्पीड के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आरपीएम की। तो आरपीएम होता है बेसिकली रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो इसका मतलब कि कोई बॉडी या कोई शाफ्ट एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन ले रही है, वो उसके होंगे आरपीएम। अब सपोज़ कीजिए कि ये हमारे पास कोई शाफ्ट है और ये शाफ्ट रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे कुछ इस तरीके से। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी शाफ्ट है तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने ए। अब मान लो कि इस टाइम पे हमारे आरपीएम है 1। तो एक आरपीएम का क्या मतलब हुआ? तो एक आरपीएम मतलब ये शाफ्ट एक मिनट के अंदर एक चक्कर पूरा लगाएगी। तो इसका मतलब ये ए पॉइंट एक मिनट में वापस घूम के इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो जैसे कि ये शाफ्ट हमारी है, यहाँ पे हमारा मान लो ए पॉइंट है, तो ये स्लोली मूव कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है और एक मिनट में एक चक्कर पूरा लगा रही है। तो रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब ये होगा कि एक मिनट में हमारी शाफ्ट कितने चक्कर लगा रही है। अब सपोज़ कीजिए कि हमारे आरपीएम 1 से 10 हो, तो जब हमारे पास आरपीएम इंक्रीज हो गए तो टाइम तो हमारे पास उतना ही है, एक ही मिनट है, लेकिन अब ये शाफ्ट उससे थोड़ा फास्ट होगी। अब एक मिनट के अंदर ये 10 चक्कर लगा रही है। तो उसके बाद सपोज़ कीजिए कि आरपीएम हमने और ज़्यादा कर लिए, अब हमारे पास आरपीएम कर लिए 100। अब आप सोचिए कि हमारे पास आरपीएम 100 है और टाइम तो हमारे पास वही है एक मिनट, तो अब हमारी शाफ्ट एक मिनट के अंदर 100 चक्कर लगा रही है, मतलब बहुत ही फास्ट मूव कर रही है। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा हमारे आरपीएम होंगे हमारी शाफ्ट उतनी ही तेज़ी से रोटेट करेगी। और इसमें चीज़ एक नोटिस करने वाली है कि सपोज़ हमारा जो शाफ्ट है उसमें वेरिएबल डायमीटर्स हैं, मतलब डायमीटर कहीं पे ज़्यादा है, मान लो जैसे ये शाफ्ट है इस टाइप से, कहीं पे डायमीटर कम है और कहीं पे डायमीटर ज़्यादा है। ये सपोज़ ए पॉइंट मान लो और ये पॉइंट बी मान लो। तो अब जो हमारे आरपीएम होते हैं, अब जैसे ये शाफ्ट एक चक्कर लगाएगी तो पूरी की पूरी शाफ्ट एक चक्कर लगाएगी। तो जब ये ए पॉइंट एक चक्कर लगा के वापस यहाँ पहुँचेगा, उसी टाइम पे ये बी पॉइंट भी यहाँ पे वापस पहुँचेगा। तो पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जो हमारा डायमीटर होता है उसका हमारे आरपीएम से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो हमारा डायमीटर चाहे जितना मर्जी हो, प्लस हो माइनस हो, लेकिन जो हमारा आरपीएम है वो हमेशा फिक्स ही रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फीड की। तो फीड बेसिकली होती है कि हमारे टूल की जो मूवमेंट हो रही है मशीन के अंदर वो कितनी फास्ट या कितनी स्लो हो रही है, उस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे हमारी फीड से। तो फीड बेसिकली हम दो टाइप से देते हैं, एक होगी mm पर मिनट और एक होगी mm पर रेवोल्यूशन। तो पहले बात करते हैं mm पर मिनट की। अब सपोज़ कीजिए ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास कोई पॉइंट बी है और हमारा टूल सपोज़ ये यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारा टूल है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस है 1 mm। तो अब मान लो हमने अपने टूल को हमने फीड दे रही 1 mm पर मिनट की फीड हमने दे रखी है। इसका मतलब 1 mm पर मिनट, मतलब एक मिनट में हमारा टूल 1 mm मूव करेगा। तो पहले यहाँ पे, उसके बाद एक मिनट के अंदर ये 1 mm है तो स्लोली मूव करेगा इस टाइप से और एक मिनट में पूरा एक मिनट लगाएगा यहाँ से यहाँ जाने को। तो अब सपोज़ कीजिए हमने फीड ज़्यादा कर दी, 1 mm से हमने फीड कर दी 5 mm पर मिनट। तो अब सपोज़ कीजिए यहाँ से यहाँ तक ए टू बी ये 5 mm है और टूल हमारा फिर से यहीं पे। अब हमारी फीड ज़्यादा हो गई, इसका मतलब पहले टूल ए टू बी जा रहा था 1 मिनट के अंदर,
अब हमारा टूल ए टू बी जो हमारा 5 mm का डिस्टेंस है उतना ट्रैवल करेगा 1 मिनट में। तो देखिए टाइम तो हमारा उतना रहा, पहले ऐसे चल रहा था स्लोली, अब टाइम तो वही है, स्पीड हमारी ज़्यादा होगी तो अब और ज़्यादा फास्ट मूव करेगा। और अब पहले 1 mm डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था 1 मिनट में, अब 1 ही मिनट में ये 5 गुना ज़्यादा मतलब 5 mm डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो बेसिकली स्पीड हमारी यही होती है कि 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये तो बात थी mm पर मिनट की। तो अब बात करते हैं mm पर रेवोल्यूशन की। तो यहाँ पे अब हमारे पास टाइम नहीं है, जैसे हमारे पास टाइम था कि 1 मिनट में हमारा टूल कितना मूव कर रहा है, तो अब हमारे पास आ गए रेवोल्यूशन। तो अब जो फीड हमारी लिंक होगी वो होगी रेवोल्यूशन से। तो सपोज कि हमारा शाफ्ट है और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे टूल है, ये पॉइंट ए आ गया, ये बी है और ये डिस्टेंस है हमारा 1 mm। अब सपोज कीजिए कि ये शाफ्ट रोटेट कर रही है 1 RPM से 1 RPM। तो यहाँ से ये शाफ्ट इस टाइप से रोटेट करती जा रही है, तो अब जो हमारे टूल की मूवमेंट होगी, अब हमने मान लीजिए कि 1 mm पर रेवोल्यूशन की फीड देकर रखी है, तो 1 mm पर रेवोल्यूशन की फीड का मतलब हुआ कि जब ये शाफ्ट एक चक्कर लगाएगी तो हमारा टूल 1 mm मूव कर जाएगा। तो जो हमारे टूल की मूवमेंट है वो डायरेक्टली लिंक है हमारे RPM से, जितने ज़्यादा RPM होंगे उतनी ज़्यादा फीड होगी। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे हमारी फीड है 1 mm पर रेवोल्यूशन, तो यहाँ से सपोज़ कीजिए ये हमारी रेवोल्यूशन चल रहे हैं, तो जैसे 1 revolution होगा टूल हमारे यहाँ पे, 1 revolution पे ये टूल 1 mm आगे आएगा, तो यहाँ से 1 revolution 1 mm आगे, फिर 1 और revolution तो 1 और mm आगे आएगा। तो ये मतलब वो mm पर रेवोल्यूशन का। अब सपोज़ कीजिए कि हमने एक की जगह 5 mm पर रेवोल्यूशन की फीड दे दी, तो अब रेवोल्यूशन जो हमारे RPM में वो तो उतना ही है, तो अब 1 revolution में पहले वो 1 mm आगे आ रहा था, अब 1 revolution के अंदर वो 5 mm आगे आएगा, तो अब इतना तेज़ी से वो मूव करेगा, तो अब 1 revolution में वो 1, 2, 3, 4 स्टेप से 5 mm आगे आएगा। तो इसका मतलब कि हमारी जो फीड है वो डायरेक्टली लिंक है RPM के साथ, जितने ज़्यादा वो रेवोल्यूशन से घूमेगा उतना ही तेज़ी से हमारा टूल आगे आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि कटिंग स्पीड होती क्या है। तो कटिंग स्पीड जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, किसी मटेरियल को कट करने की स्पीड, तो कोई मटेरियल कितना जल्दी या कितना स्लो कट रहा है उसी को हम बोलेंगे कटिंग स्पीड। तो इसको हम डिनोट करेंगे VC से, और कटिंग स्पीड हम देते हैं मीटर पर मिनट। इसमें सपोज़ कीजिए ये हमारे पास एक शाफ्ट, और इस शाफ्ट में हमारा टूल यहाँ पे चलो काट रहा है, यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा टूल काट रहा है, अब इसके जो RPM है वो 1 है, मतलब 1 mm पर मिनट, 1 मिनट में ये शाफ्ट, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट, 1 मिनट में ये शाफ्ट एक चक्कर लगा रही है 1 मिनट के अंदर। अब हमारे VC जो है, सपोज़ कीजिए हमने कटिंग स्पीड इसकी दी है 1 meter per minute, ये हमारी सपोज कटिंग स्पीड है। अब यहाँ से इसने जब यहाँ पे हमारा टूल एंगेज होगा और ये हमारी शाफ्ट जो रोटेट करेगी तो ये काटना शुरू करेगा। अब सपोज़ कीजिए कि 1 मिनट में इसने कितना मटेरियल काटा ये हम देखेंगे पहले। तो यहाँ पे टूल हमारा था सबसे पहले 1 RPM पे, ये यहाँ पे वापस आ गया, इसने 1 RPM में तो इसने एक चक्कर लगाया, यहाँ पे वापस आ गया, तो इसने कितना मटेरियल काटा, यहाँ से गया ये शाफ्ट घूमी, तो ये चीज़ जो हमारा सर्कल बना, जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस है ये सारा डिस्टेंस, इतना मटेरियल इसने काटा। अब मान लो ये सर्कल हमारा ऐसे क्लोज है, तो इसको हम अगर ओपन कर दें सर्कल को तो ये कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी, और ये हमारी होती है सर्कमफ्रेंस किसी भी सर्कल की। तो मतलब कि इस सर्कल के जितनी सर्कमफ्रेंस है 1 मिनट में वो उतना मटेरियल काट रही है। तो अब सर्कमफ्रेंस तो हमें निकालनी आती है सर्कल के, किसी सर्कल के निकाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि इस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो 1 मीटर है, तो अब हमारे RPM 1 हैं और सर्कल की सर्कमफ्रेंस 1 मीटर है, तो जो कटिंग स्पीड 1 meter per minute, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा मटेरियल रिमूव हो रहा है
एक मिनट के अंदर एक मीटर मटेरियल काट रहे मशीन हमारा, तो एक रेवोल्यूशन ही लेगी, एक मिनट के अंदर जितनी सर्कमफेरेंस होगी उतना मटेरियल काटेगी, और जो सर्कमफेरेंस है वो हमने मानी है कि वो एक मीटर है, तो इसका मतलब कि एक मीटर पर मिनट ये हुई इसकी कटिंग स्पीड। अब सबसे पहले सपोज कीजिए कि हमने कटिंग स्पीड को 1 से 10 कर दिया, अब हमारी कटिंग स्पीड है 10 मीटर पर मिनट, तो अब एक मिनट में ये 10 मीटर काट रही है। अब इसका मतलब अब ये सर्कमफेरेंस तो हमारे एक मीटर है, तो अगर एक आदमी घूमेगा तो ये सिर्फ एक ही मीटर काटेगा, तो 10 मीटर काटने के लिए इसको 10 बार घूमना पड़ेगा। जब ये 10 बार रोटेट करेगा तो ये एक एक करके 10 मीटर काटेगा, तो अब 10 बार घूमने के लिए हमारे RPM जो हैं वो भी 10 होने चाहिए। तो जब हमारे RPM 10 होंगे, मतलब एक मिनट में ये शाफ्ट 10 बार घूमेगी, तब ये जाके 10 मीटर काटेगी। तो इसका मतलब जो हमारी कटिंग स्पीड है वो हमारे RPM के साथ डायरेक्ट लिंक है। जितने हमारे RPM ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे मटेरियल ज़्यादा कट रहा है, उतने ही हमारी कटिंग स्पीड ज़्यादा हो रही है, और जितने हमारे RPM कम हो रहे हैं उतना ही कम मटेरियल काट रहा है और उतनी ही हमारी कटिंग स्पीड कम होती जा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कटिंग स्पीड हम निकालते कैसे। तो कटिंग स्पीड जिसको हम VC से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है πDN अपॉन 1000। तो यहाँ पे VC हमारी कटिंग स्पीड है, N हमारे RPM है, और D जो है वो हमारे कंपोनेंट का डायमीटर है। अब पाई की वैल्यू तो हमें पता होती है 3.14 या 22/7, और डायमीटर तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब प्रोग्राम में या तो हमें कटिंग स्पीड गिवन होती है वैसे, या तो RPM गिवन होते हैं, तो अब दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ हमें गिवन है तो दूसरी चीज़ हम इस फॉर्मूले से ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हो रही है कि जो हमारे कटिंग स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर और RPM के। इसका मतलब कि जितना ज़्यादा हमारा डायमीटर होगा, जितना हमारा डायमीटर ज़्यादा होगा हमारी कटिंग स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना डायमीटर जैसे डायमीटर कम होता जाएगा वैसे वैसे कटिंग स्पीड भी कम होती जाएगी। वैसे ही RPM, जितने हम ज़्यादा RPM देंगे हमारी कटिंग स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, और हमारे RPM को हम जितना कम करेंगे कटिंग स्पीड उतनी ही कम होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टा पे @CNCTalks पे आप DM कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।